देश की राजधानी दिल्ली के पंचशील पार्क से आई एक एयर होस्टेस की हाई प्रोफाइल मौत मिस्ट्री के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार अनिशिया के सास ससुर सुषमा सिंघवी और राजेंद्र सिंघवी से करीब 4 घंटे पूछताछ की। अनिशिया के सास ससुर करीब 3 बजे हौजखास थाने पहुंचे, जहां पुलिस की टीम ने उनसे शाम करीब 8 बजे तक पूछताछ की। एयर होस्टेज अनिशा बत्रा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने अनिशा के सास ससुर से उसका थाने में एक लंबी पूछताछ की। दरअसल आपको बता दें कि अनिशा की मौत के मामले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें अनिशा के सास ससुर का भी नाम है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने अनिशा के सास ससुर यानी कि सुषमा सिंघवी और राजेंद्र सिंघवी को एक नोटिस जारी किया था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, और यही वजह है कि वो हौजखास थाने में आज पहुंचे और एक लंबी पूछताछ दिल्ली पुलिस ने उनसे की है। हालांकि उनको शनिवार को यहां पर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस से 3 दिन का वक्त मांग लिया था। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अनिशिया के सास ससुर को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए एक नोटिस जारी किया था और उनको शनिवार को हौजखास थाने पहुंचना था, लेकिन अनिशिया के सास ससुर ने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए पुलिस से 3 दिन की मोहलत मांग ली, जिसके बाद वो सोमवार दोपहर हौजखास थाने पहुंचे। आपको बता दें कि पुलिस ने अनिशिया के सास ससुर से पूछताछ के लिए पहले से ही सवालों की फेहरिस्त तैयार की हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अनिशिया के सास ससुर से जो सवाल पूछे गए उनमें कुछ सवाल ऐसे थे। अनिशिया की मौत मामले में आप दोनों पर आरोप है कि आप अनिशिया को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आपको क्या लगता है अनिशिया ने क्यों खुदकुशी की? आपके बेटे पर अनिशिया को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। अनिशिया और मयंक की शादी के वक्त क्या आपकी अनिशिया के परिवार से दहेज को लेकर कोई बातचीत हुई थी? अनिशिया के माँ बाप ने आप लोगों को दहेज में क्या क्या दिया था? आपके अनिशिया के साथ कैसे संबंध थे? आप कब कब अनिशिया से मिलने या अनिशिया आपसे मिलने आती थी? अनिशिया के माँ बाप से आप दोनों के संबंध कैसे हैं? क्या कभी आपको लगा कि अनिशिया किसी बात को लेकर टेंशन में है, या आपके बेटे मयंक ने कभी अनिशिया की टेंशन के बारे में बताया? इस घटना के बाद मयंक से आपकी बातचीत हुई, घटना के बाद मयंक ने आपको क्या बताया? तो ये थे कुछ इस तरह के सवाल जो पुलिस ने अनिशिया के सास ससुर से पूछे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनिशिया के सास ससुर इस पूरी पूछताछ के दरमियान अपने और अपने बेटे को निर्दोष बताते रहे, और उस पूछताछ के बीच मयंक के माँ बाप कई बार भावुक भी हुए। लेकिन जाहिर है कि अगर पुलिस को दोबारा जरूरत पड़ी तो पुलिस एक बार फिर अनिशिया के सास ससुर को पूछताछ के लिए हौजखास थाने बुला सकती है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज़।